मदन एक ईमानदार दूध वाला था, उसी से सब दूध लिया करते थे। दूध ले लो भाई, दूध ले लो, शुद्ध दूध ले लो। मदन भाई, जरा एक किलो दूध दे देना। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। मदन, पहले मुझे दूध दे दो, मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही दूध पीना पसंद करता है, उसे किसी और के यहाँ का दूध पसंद ही नहीं आता। पसंद भी कैसे आएगा, मदन का दूध इतना अच्छा होता है कि फिर किसी और का दूध पसंद ही नहीं आता। इसका दूध एकदम शुद्ध और ताज़ा होता है। जब से मदन ने दूध बेचना शुरू किया है, तब से हमने किसी और की तरफ मुंह भी नहीं किया, हम तो सिर्फ इसी से दूध खरीदते हैं। मदन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। तभी एक औरत ने उसे आवाज दी। अरे मदन भैया, जरा 2 किलो दूध देना, आज मेहमान आने वाले हैं। पिछली बार जो तुमने दूध दिया था ना, उसकी बहुत ही बढ़िया खीर बनी थी। आज उन्हीं मेहमानों की फरमाइश है कि फिर से वैसी ही खीर बनाई जाए। वैसी खीर तो सिर्फ तुम्हारे ही दूध से बन सकती है। हाँ हाँ दीदी, मेहमानों को खुश करना तो हमारा धर्म है। गांव भर में दूध बेचकर शाम को मदन अपने घर पहुंच जाता है। आ गए दूध बेचकर? हाँ भाग्यवान, रोज की तरह आज भी सारा दूध बिक गया। दूध का काम हमने एक गाय से शुरू किया था और आज हमारे पास 4-4 गाय हैं। ये सब आपकी ईमानदारी की वजह से ही है। हाँ भाग्यवान, ईमानदारी से कमाई गई रोटी ही काफी होती है, बेईमानी से लाखों कमाने से तो अच्छा है रूखी सूखी रोटी खाकर ही जिंदगी बिता दे। मदन अपने व्यापार से खुश था और उससे ज्यादा खुशी उसे लोगों के भरोसे से थी, जो गांव भर के लोग उस पर किया करते थे। उसी गांव में एक प्रकाश नाम का दूसरा दूध वाला रहता था, जिससे कोई भी दूध लेना पसंद नहीं करता था। ना जाने ये मदन दूध में क्या मिलाता है कि हर कोई इससे ही दूध लेना चाहता है। और एक मैं हूँ जिसके पास मक्खियाँ मारने के अलावा कोई काम ही नहीं है। अरे भाई प्रकाश, कैसे हो? जी रहे हैं तुम्हारी छत्र छाया में। काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे मक्खियाँ मार कर ही गुजारा कर रहे हैं। अरे भाई, ईमानदारी से अपना जीवन जीना शुरू करो तो काम धंधा भी अच्छा चलेगा। तुमने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया है मदन। तुम्हारा धंधा मैंने चौपट कहाँ किया है भाई, मैं तो ईमानदारी से शुद्ध दूध बेचता हूँ और सब लोग उसी शुद्ध दूध को पसंद करते हैं। अब कोई तुम्हारे मिलावटी दूध को लेना नहीं चाहता तो इसमें मेरा क्या दोष है भला? मैंने तुम्हारे ग्राहक नहीं छीने, वो तो अपने आप ही मेरे पास चल कर आए हैं। प्रकाश दिन ब दिन मदन से चिढ़ता जा रहा था। एक दिन वो मदन के धंधे को चौपट करने की सोचता है। बहुत हुआ, अब और नहीं, मदन को तो मजा चखाना ही होगा। अगर इसी तरह ये पूरे गांव में दूध बेचता रहा तो मुझे तो गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। प्रकाश मदन को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाता है। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मदन की बदनामी हो और उसके सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं। एक रोज जब मदन शाम को दूध बेचकर वापस घर आ रहा था, तो प्रकाश उसका पीछा करता है। मदन दूध की साइकिल को बाहर छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। अब मजा आएगा जब मैं इसके दूध के बर्तनों में ऐसा लेप लगा दूंगा जिससे गांव भर में बदबू फैलेगी। बदबू के कारण कोई इससे दूध नहीं खरीदेगा और तब मेरा सारा दूध बिक जाएगा। प्रकाश बाहर रखे बर्तनों पर एक ऐसा लेप लगा देता है जिससे मदन के बर्तनों से बदबू आने लगती है। अगले दिन मदन गांव में दूध बेचने निकलता है, मगर दूध के बर्तन से बदबू आने के कारण उससे कोई दूध नहीं लेता। दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा दूध। अरे भैया दूध छोड़ो, आज तुम्हारी साइकिल से इतनी बदबू आ रही है कि दूध क्या, हम तो तुम्हारी साइकिल के पास भी नहीं आ सकते। आज तुम्हारे बर्तन से अजीब सी बदबू आ रही है। पता नहीं भैया, आज सुबह से ही इन बर्तनों से ऐसी बदबू आ रही है, बहुत धो लिया पर ये बदबू है कि जा ही नहीं रही है। ना बाबा ना, ऐसी बदबू वाला दूध तो मुझे नहीं चाहिए। न जाने किसका दूध लेकर आए हो, मैं इतनी बदबू वाला दूध नहीं लूंगी। मुझे अपने बच्चे को बीमार नहीं करना, तुम अपना दूध वापस लेकर जाओ आज। भाभी दूध बिल्कुल शुद्ध है।
नहीं नहीं, ले जाओ अपना बदबू वाला दूध यहाँ से। मदन अपना दूध वापस ले जाता है और सोच में डूब जाता है कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। कुछ समय बाद वह बदबू अपने आप खत्म हो जाती है। अगले दिन जब मदन दोबारा उन्हीं ड्रम में दूध लेकर गांव में निकलता है तो चलो आज तो गांव में दूध बिखी जाएगा, आज तो मैंने बर्तन भी साफ सुथरे रखे हैं। ओहो, दूध नापने वाला बर्तन तो मैं घर पर ही भूल गया। मदन वहां से बर्तन लेने के लिए घर की तरफ चल पड़ता है। अब मजा आएगा जब इस दूध को पीकर गांव वालों की तबीयत खराब हो जाएगी, तब गांव वाले इसको खूब पीटेंगे। उसको बड़ी अकड़ थी ना अपनी ईमानदारी पर, अब पता चलेगा ईमानदारी पर बेईमानी कैसे हावी होती है। मदन केमिकल युक्त दूध लेकर गांव की तरफ जा रहा था, उधर प्रकाश के घर में दूध खत्म हो गया था। मम्मी मम्मी, मुझे दूध चाहिए। बेटे, आज हमारे घर में भी दूध खत्म हो गया है, पापा को आने दे। पापा तो सारा दूध बेच कर आएंगे, मुझे तो अभी दूध चाहिए। तभी बाहर से मदन की आवाज आती है, दूध ले लो, दूध, ताज़ा ताज़ा दूध। दूध वाले की आवाज सुनकर सीता दूध लेने जाती है। मदन भैया, घर में दूध नहीं है और लल्ला दूध के लिए रो रहा है, क्या तुम थोड़ा सा दूध हमें दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मदन सीता को दूध देता है। दूध में जहरीला केमिकल प्रकाश ने ही मिलाया है, ये बात ना तो सीता जानती है और ना ही मदन। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मदन दूध बेचने के लिए गांव की ओर चल पड़ता है, तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है और उसकी साइकिल गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका सारा दूध सड़क पर बह जाता है। ये देखकर मदन बहुत ही परेशान हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, कल दूध नहीं बिका था और आज ये सारा सड़क पर बह गया। दो दिन हो गए दूध नहीं बिका, ऐसे तो बहुत परेशानी हो जाएगी। वैसे भी ईमानदारी से जीते जीते दूध में ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, अब इतने सारे दूध का नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्या करूं? हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मदन अपने नसीब को कोसता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पर उसकी बीवी उससे पूछती है तो वो सारी बातें बताता है। आप परेशान क्यों होते हो, जरूर इसमें कोई ना कोई अच्छाई छिपी ही होगी। भगवान वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। शायद तुम सही कह रही हो। मदन और सुमन सब्र करके बैठ जाते हैं। उधर प्रकाश की बीवी अपने बेटे को दूध पिला देती है, जिससे उसका बेटा बीमार हो जाता है। प्रकाश घर आकर जब सारी बातें जानता है तो हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने तो गड्ढा मदन के लिए खोदा था, उसमें मेरा बेटा ही गिर गया। मैंने तो ये सब मदन को सबक सिखाने के लिए किया था, मुझे क्या पता था कि इसका शिकार मेरा बेटा ही हो जाएगा। आप खुद में क्या बड़बड़ा रहे हो, मेरा बेटा बीमार है और आप होगी। सीता, हमारा बेटा मेरी गलतियों की वजह से बीमार हो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। तूने मुन्ना को जो दूध पिलाया है उसमें जहरीला केमिकल मैंने ही मिलाया था। हे भगवान। प्रकाश सीता को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर सीता बहुत गुस्सा हो जाती है। प्रकाश अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसे एडमिट कर दिया जाता है। अगर आप अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो जाओ, जाकर मदन से माफी मांगो। अगर वो ईमानदार इंसान माफ कर देगा तो शायद हमारा मुन्ना बच जाएगा। पत्नी की बात सुनकर प्रकाश मदन के घर माफी मांगने जाता है। मदन, मेरे भाई। क्या हुआ प्रकाश, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, उस दिन तुम्हारे दूध के बर्तन पर बदबू वाला लेप मैंने ही लगाया था और आज तुम्हारे दूध में मैंने ही जहरीला केमिकल मिलाया था और बदकिस्मती से वो जहरीला दूध मेरे बेटे ने ही पिया है। मुझे अपनी गलती का अफसोस है, मुझे माफ कर दो मदन। मेरे घर में थोड़े बहुत ही पैसे पड़े हैं, तुम वो ले लो और जाओ अपने बेटे की जान बचा लो।
मदन की इतनी सहानुभूति को देखकर प्रकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो मदन, मैंने तुम्हारा अहित सोचा और तुमने फिर भी मेरे साथ सहानुभूति दिखाई है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और जिसकी सजा मुझे मिल भी गई है, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। मुझे माफ कर दो मदन। माफ़ी देने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका पछतावा भी है, यही तुम्हारी माफ़ी है। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो मदन। चलो प्रकाश, अब तुम्हारे बेटे के पास चलते हैं। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। मदन और प्रकाश दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर प्रकाश की जान में जान आ जाती है। अब प्रकाश कभी भी मिलावटी दूध ना बेचकर शुद्ध दूध बेचता है और उसने लालच करना भी छोड़ दिया था। मदन और प्रकाश दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।